CZ75 P07 Dual Tone BB Pistol. Hey guys, welcome to the new video of Airsoft Gun India. Airsoft Gun India के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CZ75 P07 Dual Tone BB Pistol. ये जो है Dual Tone, इसको क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. इसका जो पूरा कलर है आप देख सकते हैं, पहले तो ये ब्लैक है, इसके ऊपर ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं ये सिल्वर में आ रहा है. इसके लिए ही इसका जो एग्जैक्टली नेम हमने रखा है, कि हमने नहीं, एक्चुअली ये गन का ही नाम है Dual Tone. सो ये Dual Tone आप बोल सकते हो. सो इसके साथ में फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये इम्पोर्टेड एयर गन है. इसको जो है ASG बनाती है, ASG के द्वारा ये जो है मैन्युफैक्चर की जाती है. एक्चुअली ये जो गन है ये ताइवान मेड प्रोडक्ट है, मतलब ये ताइवान में मैन्युफैक्चर होती है और इंडिया में इम्पोर्ट होती है. अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो स्पेसिफिकेशन में ये क्या है, पहले जैसे मैंने बताया ये ASG द्वारा ये बनाई जाती है, मेड बाय एक्शन स्पोर्ट्स गेम्स. ये जो है CZ की जो कंपनी है उन्होंने ASG को जो है लाइसेंस दे रखा है कि ये जो गन है आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो एयर गन में. ये सिंस 1936 से ये जो थी ये बनाई जाती थी. स्पेसिफिकेशन की बात करते तो ये जो है ये ब्लोबैक एयर पिस्टल है, इस पर ब्लोबैक आपको मिल जाता है. इजी लोड है, आप इजीली इसको जो है CO2 इसका जो है ग्रिप में इसमें डल जाएगा. और मेटल जो होगा वो स्लाइड जो है इसका एग्जैक्टली ये मेटल का आएगा, ये फुल मेटल गन है. एंड 20 शॉट्स की कैपेसिटी मैगजीन है, एक बार में 20 राउंड आप डाल सकते हो. एक्सेसरीज रेल अवेलेबल है इस पर, आप देख सकते हो. अगर आप यहाँ पे जो है लेज़र अटैच करना चाहते हो तो वो ऑप्शन इस पर आपको मिल जाता है. ये जो है ये BB पिस्टल है, तो इसमें ये 0.177 कैलिबर 4.5 mm का BB लग जाता है. पीछे इसके स्पेसिफिकेशंस कुछ दिए हुए वो हम आपको रीड करके बता देते हैं. इसका जो लेंथ होगा वो 186 mm का होगा, वेट तकरीबन आपको 820 ग्राम्स का आएगा. कैलिबर की बात करते हैं तो 4.5 mm एज यूजुअल, बाकी गन्स में जैसे लगता है सेम इस गन में भी है. मैगजीन कैपेसिटी की बात करते हैं तो 20 राउंड्स की कैपेसिटी पहले भी बताया. मटेरियल जो होगा वो मेटल और नायलॉन का यहाँ पे मेंशन कर रखा है, बट एज यूजुअल ये 800 ग्राम की है और कॉम्पैक्ट साइज में भी, तो आई थिंक ये मोस्टली जो है पूरा मेटल का ही है. मैगजीन भी इसका मेटल का ही आता है. एनर्जी की बात करते हैं 1.7 जूल्स का इसका जो है एग्जैक्टली मिलता है, बट यहाँ पे उन्होंने स्पेस देकर के इन्होंने 2.1 जूल्स भी मेंशन कर रखा है. वेलोसिटी यहाँ पे 99 to 110 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी जो BB से होगी 110 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करती है. सो ये थी इसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन. तो कुछ इस तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है ये, एंड ये मैनुअल मिल जाता है आपको कैसे इसको यूज़ करना है. उन्होंने इस पर जो सारी डिटेल है उन्होंने दे रखी है, क्या करना है आपको, वार्निंग्स क्या है उन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे अनइंस्टॉल करना है, वो भी यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है. यहाँ पे अगेन उन्होंने स्पेसिफिकेशन दे रखी है. तो इस तरीके का कुछ मैनुअल होगा, जब भी मिल जाए तो एक बार आप इसको भी रीड कर लीजिए, या बॉक्स पे भी कुछ डिटेल्स दिए होते हैं उसको भी एक बार आप रीड कर सकते हो. तो अब इसको कैसे यूज़ करना है वो आपको बताते हैं. यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे ये बटन मिल जाएगा, जैसे आप इसको प्रेस करते हो इसकी ये मैगजीन मिल जाएगी आपको. ये मैगजीन को आपको यहाँ पे जो स्प्रिंग है यहाँ पे लॉक करना है, BB आपको यहाँ से डालना है. तो एक बार में 20 शॉट्स जो है एक बार में डल जाते हैं और इसको ऐसे लगा सकते हो. बट अब CO2 भी कैसे इंस्टॉल करना है वो भी आपको बताता हूँ. जैसे आप यहाँ पे ये कुछ पोर्शन जैसा मिल जाता है, आप इसको थोड़ा सा प्रेस करते हो इसकी जो ग्रिप है ये ओपन हो जाती है. यहाँ पे जो है 12 ग्राम का CO2 आप ये देख सकते हो, 12 ग्राम का CO2 सिलेंडर है, ये इसमें लग जाएगा. एंड हाँ, ये 4.5 mm का BB भी लग जाता है इस गन में, जो मैगजीन में है ये 4.5 mm का BB लगता है. एंड जैसे CO2 आप इंस्टॉल करने जा रहे हो उसके पहले आई डू रिकमेंड कि ये जो पेलगन ऑयल है आप इसको ज़रूर यूज़ करें. सो इससे क्या होगा, इन फ्यूचर आपको लीकेजिंग का इश्यूज जो होगा वो फेस नहीं करना पड़ेगा. सो जैसे आप CO2 इंस्टॉल कर दें, तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्लिप जैसा कुछ एग्जैक्टली लंकी जैसा दे रखा है. सो जैसे आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये इंस्टॉल होता है, एंटी क्लॉक घुमाने पे ये जो है ये अनइंस्टॉल हो जाता है. जब आप पूरा अच्छे तरीके से इंसर्ट कर दें तब ये जो है ये फायर में हो जाएगा. बट अभी ये फायर नहीं हो रहा जस्ट बिकॉज इसमें CO2 लोडेड नहीं है. और ये जो है ये सिंगल एक्शन में एक्चुअली वर्क करता है. यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे आप इसके हैमर को खींचते हो उसके बाद ये फायर होता है. सेफ्टी अवेलेबल है इस पर, जैसे आप इसको प्रेस करके ऊपर की तरफ करते हो तो ये जो है ये सेफ्टी पे आ जाता है. जैसे आप नीचे की तरफ करते हो ये जो है फायरिंग पे आ जाता है.
सो ये ब्लोबैक भी अवेलेबल है, मैंने जैसे पहले बताया, तो इस पर ये जो है बैरल जो है ये सिर्फ ब्लोबैक होता है, अंदर की जो मैकेनिज्म है एज यूजुअल सारी गन्स में नहीं होते, सेम उसी तरीके से ये वो करेगा। सो ये चीज़ है, जैसे आप इसको नीचे की तरफ करते हो तो जो इसका बैरल होगा वो रिलीज़ हो जाएगा। सो यहाँ पे उन्होंने अगेन जो है गन नंबर वगैरह जो है मेड इन ताइवान इन्होंने मेंशन कर रखा है, एसजी थ्रू ये आती है। एंड ग्रिपिंग के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा सिस्टम बना रखा है जैसे है देख सकते हैं, तो ग्रिपिंग जो होगी काफ़ी अच्छी आपकी हो सकती है। सो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ इस पे जो है डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट किस बात का है वो भी आपको बता देता हूँ कि ये जो है फाइनेंशियल ईयर आपको अगर पता होगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक ये ख़त्म होता है, तो इस पे जो डिस्काउंट होगा सिर्फ 15 दिन के लिए अवेलेबल होगा। सो फाइनेंशियल ईयर 15 दिन के बाद आई थिंक ख़त्म हो जाएगा। सो इसका जो वीडियो देख रहे हैं आज जो है डेट आपको पता ही है, सो अब से 15 दिन के बाद इसका जो स्टॉक है मे बी शायद फिनिश हो जाए, तो ऐसी ना हो कि आपकी जो मनपसंद गन है वो भी फिनिश हो जाए। सो इससे पहले आप ऑर्डर कर लीजिए। सो इसका एग्जैक्टली हम प्राइस आपको कभी वीडियो में बताते नहीं है, बट अब मैं आपको बता रहा हूँ इसकी एग्जैक्टली प्राइसिंग क्या होगी। सो डिस्काउंट के लिए आप जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हो उस पे आप कॉल कर सकते हो, उस पे जो है आपको डिस्काउंट के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव हैं उनसे आप बात कर सकते हो, जो भी डिटेल्स होगा वो आपको डिस्काउंट के लिए प्रोवाइड कर देंगे। बट अगर आप हमारे ओल्ड और एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं सो इसका जो आपको प्राइसिंग पड़ेगा वो होगा 35,000 प्लस 18% GST, मतलब ये 35,000 प्लस GST में आपको ये मिल जाएगा। सो ऑर्डर करने के लिए जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप वेबसाइट से जाकर के ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी बताया स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है या डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। सो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। एंड कॉल बैक रिक्वेस्ट का ऑप्शन भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हो, सिर्फ आपको आपका नाम और आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप सबमिट करते हैं, हमारे तरफ से जो कॉल होगा वो आपको आ जाएगा। मेल कर सकते हो आप हमें info@airsoftgunindia.com पे या airsoftgunindia@gmail.com पर भी मेल कर सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। टिल देन गाइस इसको ऑर्डर कर लीजिए और हैव फन।